हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजू कस्बा, मैकेनिक लाइफ स्टाइल एंड ब्लॉग में। फ्रेंड, आज हम इस गाड़ी में आए हैं। इसकी क्या मेन रिले उड़ गई हैं, इसलिए अपन इसको इसमें ना अपन दूसरी रिले का कनेक्शन करेंगे। कैसे कर रखा है मैंने, आप भी देख लीजिएगा। कभी भी आपके साथ में जो कंपनी की रिले आती हैं उसके साथ में अगर ऐसी रिले ख़राब हो जाती है ना, तो आप इस तरीके से ये दूसरी रिले लगा सकते हैं, डबल हेडलाइट वाली। तो ये मैंने इस तरीके से लगाई हैं। ये पतले वाले जो वायर है ना फ्रेंड, ये इंजेक्शन सूच के हैं, जो चाबी सूच के यहाँ से जो वो लग रहा था डम पुल उसमें करने वाला है। और ये जो मोटे वाले तार है ना, ये डायरेक्ट हेडलाइट में जाएंगे। इस तरीके से ये कनेक्शन कर दिया है हमने। अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ फ्रेंड हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी मैकेनिक से रिलेटिव ब्लॉग देखने के लिए। ये देखिएगा फ्रेंड, आप दूसरी गाड़ी में चलते हैं काम करने के लिए। ये देखिएगा फ्रेंड, हम दूसरी गाड़ी में आ गए हैं काम करने के लिए। इसके क्या लाइनर जड़ना, हमको लाइनर ख़त्म हो गए थे पूरे इस तरीके से इसके। तो ये टेलर है, इसके चारों पहिए के लाइनर सेट डालना है हमको। तो इस तरीके से ये देखिएगा हम डाल रहे हैं दुकान पर। तो ये देखिएगा, आप इसको सर्विस बढ़िया कर देते हैं अपन। और अभी हम आपको बताते हैं कि किस किस पहिए के डालना हमको। ये देखिएगा फ्रेंड, दो एक्सल के तो ये हमने खोल दिए हैं ड्रम व्रम बाहर निकाल के। और ये चार पहिए के लाइनर डालना है हमको। तो ये इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे हमको, तो इसलिए इसमें आप ये हमने साफ कर दिया है इसको बिल्कुल रिपीट होकर काट पीट के। ये देखिएगा चार लाइनर और सेट रखे हैं ये। ये चार डालने के बाद में हम चलते हैं फिर दूसरी गाड़ी में आपके लिए। ये देखिएगा फ्रेंड, इस गाड़ी में क्या चैम्बर में पानी भरा गया है, कितना भराया है आप खुद देख लीजिएगा। जितना नल चलता है अपना घर वाला, इस तरीके से इसमें पानी भरा गया है इस तरीके से। तो आप भी देखिएगा, इसको हम खोल के भी देखेंगे। ये अशोक लेलैंड VS4 गाड़ी है। ये गाड़ी क्या जंगल में बंद हो गया था, तो इसमें क्या चल बिल्कुल राउंड माउंड कुछ भी नहीं ले रही थी, जाम हो गई थी मतलब फ्रेंड। तो ये किस कारण से हुई है इसका भी सोल्यूशन अपन निकालेंगे कि किस कारण से ये जाम हुई है। तब इसके चलते हम ये आयल भी निकाल दिया हमने इसका। पहले पानी निकाला, पानी निकालने के बाद में आयल निकालते हैं। आयल तो हम भेला करते हैं, हमारा ड्रम भरा जाता है, इसको फिर भेज देते हैं हम। जो भी मैकेनिक भाई है इस वीडियो को देखता हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिएगा फ्रेंड, अब हमने इसका चैम्बर खोल के देखा है, तो इसमें क्या ये पिस्टन है, ये पिस्टन ही फूट गया है फ्रेंड इसमें। अब इसका अपन अब हेड मेट भी खोल के देखेंगे इस तरीके से। ये केम उसकी क्या बोलते हैं, ये गजन पिन की लाख है फ्रेंड। ये देखिएगा इस तरीके से ये हमने ये देखा, तो इसका पिस्टन का ही फूट गया है बुरी तरीके से। तो अब इसको हम आपको ऊपर का भी खोल के बताते हैं कि क्या निकलता है। इसके हेड मेट भी खोलेंगे तो अपन, ये देखिएगा फ्रेंड, ये हमने हेड खोल दिया है इसका। ये देखिएगा यहाँ पे पिस्टन लगा रहता है, गजन पिन दिख रही है आपको बाहर बस। ये देखिएगा ये हालत है फ्रेंड इसकी। ये देखिएगा कितना बड़ा होल हो रहा है इसमें, इस तरीके से इसमें पानी आया था चैम्बर में, तो सारा ब्लॉक का पानी चैम्बर में चला गया था। तो इस किस कारण से गया था, तो अब इसका इस कारण ये है कि इसका ब्लॉक क्रैक हो गया, यानी कि पिस्टन गर्म होकर फूट गया। और फिर हम आ गए दूसरी गाड़ी में फ्रेंड, तो इस गाड़ी का क्या बेयरिंग टूट गया है। ये लेलैंड गाड़ी, इसका फ्रंट एक्सल का बेयरिंग टूट गया है। तो अपन अब डालने के लिए इसको, पहले तो घन चलाया फ्रेंड, घन चलाने के बाद में भी नहीं निकला ये। फिर इसके बाद में अब इसको पूलर पाना लेके आए, पूलर पाने की मदद से इसको हम खोल रहे हैं। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि क्या है। फिर इसका बेयरिंग चेंज करने के बाद में हमने इसमें दूसरे गाड़ी में आ गए फ्रेंड हम। ये इस गाड़ी की क्या हमें हेडलाइटिंग, ब्रेक बत्ती, पार्किंग, इस पर भी फ्रेंड क्या है, पहले मेरे ऑलरेडी पूरी वीडियो बना चुका हूँ किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। एक एक चीज़ को वायर को समझा दिया मैंने, कौन सा वायर किस चीज़ का है। तो आप जाके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट भी बना रखा है मैंने कि किस तरीके से ये करते हैं फिटिंग। देखिएगा फ्रेंड, ने मैंने फिटिंग कर दिया है पूरा।
तो फ्रेंड अगर वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और इसी वीडियो देखने के लिए ये फ्रेंड ये दूसरी गाड़ी में आए हम, इसके ऊपर भी पूरा फुल वीडियो आएगा फ्रेंड, कैसे सेट करते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं। ये बोरवेल मशीन का क्राउन है फ्रेंड डबल वाला, तो इसको कैसे सेटिंग करा हमने, कैसे क्या करा, इसका थाली पिनियन ख़त्म हो गया था पूरे, तो इस तरीके से ये डबल क्राउन वाला है, तो इसको भी अपन अभी तो हम सेट कर रहे हैं इसको। अभी तो ये हमने आपको छोटा मोटा टेलर दिखाया है, इस तरीके से करा है हमने, इसके ऊपर भी एक फुल वीडियो आएगा फ्रेंड, तो आप देख लेना उसको जाके, कल या परसों में जाएगा फ्रेंड वो वीडियो। ये इस तरीके से मैकेनिक लाइन इज हार्ड वर्क फ्रेंड, इस तरीके से ये ज़िंदगी रहती है हमारी, इतनी डेंजरस रहती है, दुख भरी दास्तान में।